हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि अधिकतर उम्मीदवारों की रूपरेखा तैयार है। कुछ पंचायतों के लिए रूपरेखा तैयार करने को रह गई है। उनके कुछ दिनों में बैठक कर वहां के पंचायतों की शीघ्र बैठक कर जो उम्मीदवार बनाने हैं उनके ऊपर चर्चा करके अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि जो उम्मीदवार होगा वे जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होगा तथा ऐसे किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा जाएगा जो जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करता है। नैना देवी नगर परिषद के वार्डों में जो भी उम्मीदवार घोषित करना है उनके नामों पर सहमति बना दी गई है तथा उन्होंने धरातल पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। कुछ पंचायतों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने को रह गया है। उन पंचायतों में शीघ्र बैठक कर नामों पर विचार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो भी होगा वह जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी हो सकता है जिससे पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। जिला परिषद के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं जिनमें 3 वार्ड नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों से ही हैं तथा 1 वार्ड में सदर की 4 पंचायतें हैं। शीघ्र ही उनमें लोगों के साथ बैठकर अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीदवार जो भी होगा वे पार्टी का सिपाही हो तथा वे पार्टी को गति प्रदान करने में सक्षम हो। जो भी उम्मीदवार कुछ पंचायतों के बचे हैं वहां पर बैठक कर अंतिम रूप कुछ दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी नैना देवी हमारे 4 वार्ड हैं, चारों वार्डों के विस्तृत जानकारी और ग्राम पंचायतों की जानकारी मैंने प्रभारी जी को दी है, सबको दी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नैना देवी म्युनिसिपल कमेटी के कौन उम्मीदवार होंगे वो हमने पहले ही फैसला कर लिया है, वहाँ की कमेटी ने फैसला कर लिया है और वो अपना काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो नैना देवी जो म्युनिसिपल कमेटी है उसका कोई भी इशू जो है वो पेंडिंग नहीं रहता। बाकी हैं हमारे 4 वार्ड हैं, 4 में से 3 वार्ड खाली हैं और 1 वार्ड ऐसा है जिसमें 4 पंचायतें जो है वो सदर चुनाव क्षेत्र की है। वो मुनसर वो करेगा कि सदर के जो हमारे 4 पंचायतें हैं या सदर का जो नेतृत्व है या सदर के जो हमारे ब्लॉक हैं उनके जो लोग हैं वो किस प्रकार से निर्णय करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पंचायतें मेरे चुनाव क्षेत्र की है और 4 पंचायतें जो है वो सदर चुनाव क्षेत्र की है। वहाँ से कोई जीतने वाला उम्मीदवार जो है निकले और जो सबको इकट्ठा करके मैं कहना चाहूँगा 4 पंचायतें सदर की हैं मैं उनको भी बुलाऊँगा और अपने चुनाव क्षेत्र की भी मीटिंग करके जल्दी से कौन उम्मीदवार हमारे होंगे तब तक तस्वीर सामने आ जाएगी कि ये रिज़र्व अवार्ड कितने हैं और कौन सा अवार्ड रिज़र्व है, कौन सा जो है वो ओपन है। तो उसके बाद मैं 10 तारीख और 15 के बीच में ये मीटिंग करके इनको सबको हम फाइनल करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि मैंने ये कहा कि सबको इकट्ठा होके लड़ने की ज़रूरत है। ये जो बीच में से पैरेलल कैंडिडेट देते हैं उससे ये होता है कि पार्टी का नुकसान हो जाता है। कोई मान लो मैं किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर नुकसान होता है तो मुझे भी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए और दूसरे आदमियों को भी सोचना चाहिए कि इकट्ठे होकर चलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पंचायती चुनाव में हमारा जो है वो अच्छे रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आएंगे तो उससे कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी।